करने यहां खड़े हुए हैं जो लोग सुबह के 10 बजे से लेकर दिन के 2:30 बजे तक, लगभग 2:30 बज गए हैं, हमारे इस कॉन्क्लेव में, हमारी इस कोशिश में लगातार हमारे साथ बने रहे, हम बहुत आभारी हैं केंद्रीय मंत्री श्री रामविलास पासवान जी के। इनकी तबीयत खराब है, फीवर है, इसके बावजूद वो दिल्ली से केवल हमारे इस कार्यक्रम में, हमारे इस कॉन्क्लेव में शिरकत करने पटना आए। हम उनका दिल से आभार प्रकट करते हैं, हम दिल से आभार प्रकट करते हैं यहां पर मौजूद जितने जो पॉलिटिशियंस हैं, जितने डॉक्टर्स हैं, उद्योग जगत से जुड़े लोग हैं, चैम्बर ऑफ कॉमर्स से जुड़े लोग हैं, छात्र हैं, शिक्षा जगत से जुड़े जो दूसरे लोग हैं, तमाम लोगों के हम बहुत आभारी हैं। उन्होंने हमारे लिए अपने व्यस्त समय में से काफी कम, तकरीबन 3-4 घंटे का वक्त निकाला, और जो विकास यात्रा, एक न्यू रोड मैप, जो नई यात्रा बिहार की शुरू हुई है, उसमें वो भी भागीदार बने। हमारे डिप्टी सीईओ और हमारे चैनल हेड श्री पुरुषोत्तम वैष्णव जी के हम आभारी हैं। काफी व्यस्तता उनकी और कई चैनल्स की जिम्मेवारी है, इसके बावजूद वो लगातार हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए लगे रहे। हम अपने स्पॉन्सर्स जो हमारे इस कार्यक्रम में हमारे सहयोगी बने, इस कार्यक्रम को सफल बनाने में जिन्होंने अपनी भूमिका निभाई, वास्तु विहार हो या NSIT हो, नबार्ड हो, LIC हो, ISU हो, अग्रणी फार्मास्यूटिकल हो, आशीर्वाद इंजीकॉन हो, सोनालिका ट्रैक्टर, SBI, सोवित यूनिवर्सिटी, गोल इंस्टीट्यूट, रूबन मेमोरियल, तमाम अपने जो हमारे प्रायोजक हैं, जो हमारे जिन्होंने मदद की हमारे इस कार्यक्रम को सफल बनाने में, हम सबका दिल से आभार प्रकट करते हैं। और हम आपको ये भरोसा दिलाते हैं कि हमारी ये कोशिश इसी तरीके से जारी रहेगी। हम बिहार के विकास में सहभागी बनने की जो हमारी चाह है, उसको लेकर आपके सामने आते रहेंगे। तो एक बार फिर से तमाम लोगों का शुक्रिया। सलोनी, आपके पास।